हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। आपने आज तक तंदूरी चिकन खाया होगा, पनीर टिक्का भी खाया होगा, यहाँ तक तंदूरी एग करी भी खाई होगी, तंदूरी चाय तो पी होगी, लेकिन तंदूरी मैगी नहीं खाई होगी, है ना? तो आप इस तरीके से एक बारी घर में मैगी जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर बताना कि यूनिक है या नहीं, हटके तो है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये तंदूरी मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, ऑब्वियसली मैगी लिया है मैंने, उसके साथ साथ मैंने कुछ सब्जियाँ डाली हैं। देखो, सब्जियों के साथ मैगी का मज़ा ही कुछ और आता है। तो सब्जियों में यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज, गाजर ली है, कैप्सिकम ली है, मटर लिए है, बीन्स लिए है और मिर्ची भी ली है। थोड़ी तीखी मैगी हो तो बहुत ही मज़ा आता है। देखो, यहाँ पर चॉपिंग तो नॉर्मल करनी है बिल्कुल। मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैंने प्याज को ऐसे छोटा छोटा काट लिया है, साथ में हरी मिर्च को भी बहुत ही फाइन स्लाइसेस में कर लिया है। गाजर के आप क्यूब्स कर लेना, यानी कि उनको ऐसे पहले स्लाइसेस में करना, फिर अब इसको आराम से क्यूब्स में काट लेना। बीन्स और कैप्सिकम को दोनों को आप ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना। अब मैगी को हमें यहाँ पर एक ट्रीटमेंट करनी होगी, तभी हमारी तंदूरी मैगी सही बनेगी। देखो, अगर लंबे लंबे नूडल्स होंगे तो वो सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप मैगी को बहुत अच्छे से क्रश कर देना। अब तंदूरी मैगी बनाने के लिए थोड़ा तंदूरी फ्लेवर तो डालना पड़ेगा ना, सिर्फ मटके और कोयले से तंदूरी फ्लेवर थोड़ी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन लिया है, सॉस पैन में आप डालना थोड़ा सा सरसों का तेल, और जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए, अच्छे से गर्म होना चाहिए कि उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलने लगे, जब इतना गर्म हो जाए फिर आप यहाँ पर डालो हमारे कटे हुए प्याज और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल देना, जैसे कि गाजर, बीन्स, मटर। देखो, अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हो तो आप बाद में डालना, लेकिन अगर आप मेरी तरह फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हो तो आपको उनको पकाना ही पड़ेगा। अब उनको यहाँ पर डालना और इसको बीच बीच में अच्छे से स्टर करते रहना। यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हमें सब्जियों को भुनना है बहुत ज़्यादा या उनको ब्राउन करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत देर तक नहीं पकाना। थोड़ी देर पकाने के बाद, लगभग 2 से 3 मिनट पकाने के बाद, आप यहाँ पर थोड़ा सा बेसन डाल देना। 1 टीस्पून बेसन आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बेसन बहुत ज़रूरी है, तभी वो तंदूरी फ्लेवर सही से आएगा। बेसन को आप थोड़ा सा अच्छे से भुनना। फिर हमें थोड़े से मसाले डालने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, जीरा पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर तो डाला ही डाला है, साथ में हल्दी पाउडर भी डाले और मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। ये सब चीज़ें आपने डालनी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि जब मैगी पकाते हुए आपको पानी ज़्यादा डालना है, क्योंकि जब आप मटके में पोर करोगे तो मटका भी काफ़ी पानी पी जाता है, तो मैगी में आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो जितनी भी क्वांटिटी है आप उसका 1.5 times डालना, जैसे कि आप नॉर्मल 1 cup अगर पानी डालते हो मैगी में तो 1.5 cup पानी डाल देना। मैं यहाँ पर 2 मैगी बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर भर के 3 cup पानी डाला है। तो पानी यहाँ पर डाले अच्छे से और पानी को पहले पूरा उबलने दें, पानी अच्छे से उबलना चाहिए, अगर पानी नहीं उबलेगा तो आप मैगी मत डालना। तो जब आपका पानी अच्छे से उबलने लग जाए फिर आपने यहाँ पर डालनी है हमारी क्रश की हुई मैगी, और वेट करना है कि मैगी भैया बॉइल हो जाए। जब आपकी मैगी इस स्टेज पे आ जाए, यानी कि वो बहुत अच्छे से बॉईल होने लग जाए, बिल्कुल मतलब हल्की सी सॉफ्ट भी होने लग जाए, उस स्टेज पे आपने डालना है टेस्ट मेकर, यानी कि हमारा मैगी मसाला, उसके बिना तो स्वाद आएगा ही नहीं। तो बस आप यहाँ पर मैगी मसाला डालो और इसको अच्छे से मिक्स कर दो, और बस थोड़ी देर में आप चेक कर लेना कि मैगी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, उबल गई है। अगर पूरी पक गई है तो बस आप उसको साइड वाले गैस पे रखो और अब फटाफट से हम अपना क्ले पॉट गर्म कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कोयला भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि तंदूरी फ्लेवर तो कोयले से तो आता ही है। फिर आपको अपना क्ले पॉट यहाँ पर बहुत अच्छे से गर्म करना है, मतलब काफ़ी देर तक आप अच्छे से गर्म करना, लगभग 5 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे, लेकिन हाई फ्लेम पे ही करना, काफ़ी देर तक, जितनी देर तक आप कर सकते हो उतनी देर तक, एकदम पाइपिंग हॉट होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा मैगी। बस जब आपका पॉट अच्छे से गर्म हो जाए तो आप नीचे एक स्टील की प्लेट रखना, या मैंने यहाँ पर कॉपर की थाली रखी है, आप स्टील की प्लेट रखना। और कोयले का क्या करें, कोयले का मैंने ऐसे किया है कि कोयला मैंने इसके अंदर भी रख दिया है और इसको ढक कर रख दिया है, ताकि अंदर तक फ्लेवर बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए ना मैगी, तभी तो मज़ा आएगा।
अब जब सारा फ्लेवर पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाए पूरा मिट्टी के बर्तन के अंदर, तो आप ये कोयला निकाले और अब टाइम आ गया है मैगी को तंदूरी बनाने का। तो बस आपने मैगी पोर करनी है। पहले मैं थोड़ी सी मैगी डाल देता हूँ ताकि नीचे तक पूरी मैगी के अंदर तक फ्लेवर आए, फिर आप इसमें लिक्विड डालना शुरू करो। और ये देखो है ना, टोटली अमेजिंग। लेकिन बेस्ट तंदूरी मैगी तो तभी बनी थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम घर पे बनाया था। आप खुद ही देख सकते हो इस वाली वीडियो में। फिर जब मैं इस मैगी को सबको अपने घर में खिलाने के लिए ले गया तो सबने बोला कि यार भरत इसमें अलग क्या डाला है ऐसा, इसमें थोड़ा टेस्ट अलग सा क्यों आ रहा है। जब मैंने नाम बताया कि तंदूरी मैगी है तो किसी को यकीन नहीं हुआ, सबकी शक्ल देखने वाली थी और वो बहुत ही अमेजिंग था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, इनोवेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो यार लाइक तो ज़रूर करें।